नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी इस वीडियो के अंदर लेकर के आया हूँ। बहुत ही बड़ी अपडेट आप सभी के लिए इस वीडियो में मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आया हूँ। बहुत ही बड़े स्तर पर एफसीआई की तरफ से वैकेंसीज निकाली गई है दोस्तों। फूड इंडिया कॉरपोरेशन की तरफ से वैकेंसीज है जिनके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एंड दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वैकेंसीज की अपडेट के बारे में, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसीज है, एफसीआई में वैकेंसीज है दोस्तों। यहाँ पर जो है सभी पदों के लिए वैकेंसीज लगभग निकाली गई है और बहुत बड़े स्तर पर ये वैकेंसीज है जिनके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं दोस्तों, 01/2022 इसका जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर रखा गया है। fci.gov.in पर जाकर के इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर वैकेंसीज की अपडेट के बारे में बात कर लूं, तो यहां से आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड जनरल कैटेगरी सभी के लिए वैकेंसीज रखी गई हैं। कितने पदों पर ये वैकेंसीज हैं, वो पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। सबसे पहले आपको बता दूं कि दोस्तों, यहां पर जो है आपके लिए वॉचमैन के पद के लिए भी वैकेंसीज है, साथ ही में एलडीसी एमटीएस और स्टेनोग्राफर पद के लिए भी वैकेंसीज रखी गई है जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सो वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। सो वीडियो पसंद आती है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा लें, क्योंकि दोस्तों इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले हमारे YouTube चैनल पर मिलेगी। एंड दोस्तों, इस भर्ती से संबंधित जो भी कोई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आएगी, उसकी इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले इसी YouTube चैनल पर दे दी जाएगी। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि सभी आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। सो चलिए फ्रेंड्स, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं। एंड यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है एफसीआई, उसकी तरफ से वैकेंसीज निकाली गई हैं। एंड यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, असिस्टेंट जनरल मैनेजर जनरल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए वैकेंसीज हैं। पोस्ट कोड आपका ए रहेगा। पे स्केल आपको 60,000 से 1,80,000 रुपए दिया जाएगा। एंड मिनिमम एज लिमिट जो यहाँ पर रखी गई है, सॉरी मैक्सिमम एज लिमिट जो रखी गई है, वो आपकी जो है मतलब 30 साल तक रहेगी। एंड एससी के लिए यहाँ पर 3 वैकेंसीज है, एसटी के लिए 3 वैकेंसीज है, ओबीसी के लिए 9 एंड ईडब्ल्यूएस के 3 और जनरल की 12 वैकेंसीज है। टोटल 30 पदों पर वैकेंसीज है। इसी के साथ में असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए दोस्तों यहाँ पर टोटल 27 वैकेंसीज रखी गई है। एंड असिस्टेंट जनरल मैनेजर अकाउंट्स के लिए दोस्तों यहाँ पर टोटल 22 वैकेंसीज रखी गई है। वहीं दोस्तों, असिस्टेंट जनरल मैनेजर लॉ के लिए टोटल 8 वैकेंसीज रखी गई है। एंड इसी के साथ में मेडिकल ऑफिसर से आप चेक कर सकते हैं, टोटल 2 वैकेंसीज रखी गई है। वहीं दोस्तों, वॉचमैन के लिए अगर बात कर ले, तो आपको सैलरी मिलेगी यहाँ पर 18,000 से 22,000 रुपए तक। एंड इसी के साथ में दोस्तों, मिनिमम जो है सॉरी मैक्सिमम आपके 30 साल एज लिमिट होनी चाहिए। वहीं एससी जो एसटी कैटेगरी है, उसके लिए 288 वैकेंसीज हैं वॉचमैन पद के लिए। एससी के लिए 234 वैकेंसीज रखी गई हैं। एंड इसी के साथ में दोस्तों, ओबीसी के लिए 312 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 208 और जनरल के लिए दोस्तों 415 वैकेंसीज रखी गई है। मतलब टोटल 1457 पदों पर ये वैकेंसीज है जिनके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर बात कर लें दोस्तों एलडीसी पद के लिए, तो यहाँ पर आपकी जो है मिनिमम जो मैक्सिमम एज लिमिट है, वो 35 साल होनी चाहिए। 25,500 रुपए से 45,000 सैलरी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। एंड 568 वैकेंसीज रखी गई है एसटी कैटेगरी के लिए। एससी के लिए 458 वैकेंसीज है, ओबीसी के लिए 685 वैकेंसीज है। एंड दोस्तों, ईडब्ल्यूएस के लिए 476 वैकेंसीज है। वहीं जनरल के लिए 743 वैकेंसीज रखी गई है। टोटल 2930 पदों पर वैकेंसीज है जिनके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एमटीएस पद की अगर बात कर लूं, तो 19,000 रुपए से दोस्तों 19,900 से 35,000 रुपए तक आपको यहां पर सैलरी दी जाएगी। 33 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। एंड 382 वैकेंसीज रखी गई है एसटी कैटेगरी के लिए। एससी के लिए 218 वैकेंसीज हैं। एंड इसी के साथ में दोस्तों, ओबीसी के लिए 463 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 289 पद रखे गए हैं। एंड इसी के साथ में जनरल के लिए 535 पदों पर वैकेंसीज है जिनके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 1875 पदों पर दोस्तों एमटीएस के रखे गए हैं यहाँ पर, जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर के टोटल 182 पद है जिन पर आप आवेदन कर सकते हैं। जनरल के लिए 67 वैकेंसीज हैं। इसी के साथ में ईडब्ल्यूएस के लिए 56, ओबीसी के लिए 48 एंड एससी के लिए दोस्तों 18 पद रखे गए हैं। एंड एसटी कैटेगरी के लिए 23 पद रखे गए जिन पर आप आवेदन कर सकते हैं। टोटल 6,551 पद रखे गए हैं जिनके लिए आप आवेदन कर पाएंगे। एसटी कैटेगरी 1,275 पदों पर वैकेंसीज हैं टोटल। एंड वहीं दोस्तों, एससी के लिए 934 पद रखे गए हैं। ओबीसी कैटेगरी के लिए 1,525 पद रखे गए हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 1,008 पद है। एंड जनरल के लिए 1,781 पदों पर वैकेंसीज हैं। टोटल 5,651 पदों पर वैकेंसीज रखी गई है जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है, उनके लिए भी वैकेंसीज है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। एससी के लिए 2 रिजर्वेशन सीट बैकलॉग वैकेंसीज है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1 है और एसटी के लिए 1 पद यहाँ पर रखा गया है। एंड इसी के साथ में दोस्तों, अगर अदर इन्फॉर्मेशन की बात कर ले, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं जो आपका रिजर्वेशन रहेगा, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, वो भी आपको दिया
लिया जाएगा। इसी के साथ में अगर आगे की इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, आपका जो फिजिकल रिक्रूटमेंट रहेगी वो भी आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। एंड इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर जो मल्टीपल डिसेबिलिटी है उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ले सकते हैं। क्वालिफिकेशंस की अगर बात कर लूँ दोस्तों, यहाँ पर जो पोस्ट है उसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए, तो आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों आप यहाँ से चेक कर पाएंगे कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। वॉचमैन पद के लिए 8वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जो कैंडिडेट यहाँ पर मिडिल क्लास पास कर चुके हैं। LDC के लिए 12वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, साथ ही में आपके पास में टाइपिंग नॉलेज होनी चाहिए। MTS के लिए 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, एंड 12th पास कैंडिडेट दोस्तों स्टेनोग्राफर के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपके पास में टाइपिंग नॉलेज भी होना जरूरी है। इसी के साथ में दोस्तों इससे जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो आप यहां से चेक कर सकते हैं। जो अप्लाई फॉर्म जो भी आपके अप्लाई करने की लास्ट डेट रखी गई है वो अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको जो है अप्लाई करने की भी लास्ट डेट देखने को मिल जाएगी, 1 जनवरी 2021 तक जो है आपकी एज को यहां पर जो है काउंट किया जाएगा। एंड इसी के साथ में दोस्तों अगर मैं बात करूं और आगे की अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो आप यहां से चेक कर सकते हैं जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहां पर जो है यहां पर आप चेक कर सकते हैं, 1 जनवरी 2022 डेट दी गई है। एंड इसी के साथ में और आगे आने पर आपको इसकी भी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। सो पूरे नोटिफिकेशन को आप एक बार रीड जरूर कर ले, यहाँ पर आपको इसकी सिलेक्शन प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। जो सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहेगा यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, आपका ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा जिसके माध्यम से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। एंड यहाँ पर आपका जो वेटेज रहेगा दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट के यहाँ पर 90% नंबर जुड़ेंगे, एंड इंटरव्यू के 10% नंबर आपके यहाँ पर जुड़ेंगे, और उसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सो यहाँ पर आप जो है इसकी इससे संबंधित पूरे का पूरा जो है सिलेबस चेक कर सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए आपका क्या सिलेबस रहेगा, एंड कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो पूरी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आपकी टाइपिंग नॉलेज क्या रहेगी वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ में दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर हमारी अदर डिटेल के बारे में, तो आपको यहाँ पर जो है इससे संबंधित लास्ट डेट वगैरह भी देखने को मिल जाएगी। सो आपका जो ये पेज है दोस्तों ये बहुत बड़ा पेज है, सो यहाँ पर मुझे स्क्रॉल करने में टाइम लग रहा है। अगर मैं दोस्तों मैं यहाँ पर देखता हूँ इस वेबसाइट के बारे में या फिर इससे संबंधित जो भी अदर इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में, तो आई थिंक आपको ये सबसे नीचे इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो मैं इसे स्क्रॉल कर देता हूँ, एंड यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं दोस्तों कब से कब तक अप्लाई कर पाएंगे। डेट आपको यहाँ पर दे दी गई है, एंड इसी के साथ में दोस्तों थोड़ा सा और नीचे चलने पर आप यहां से चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन फीस दी हुई है। सो 1000 रुपये आप सभी कैंडिडेट को एप्लीकेशन फीस जमा करवानी होगी। वहीं दोस्तों SC ST PWBD कैंडिडेट एंड वुमेन कैंडिडेट जितने भी चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, ये सभी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रहेगी, सभी फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। एंड बायोमेट्रिक डाटा के बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई है। सो दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो आपका अप्लाई फॉर्म है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, 1 मार्च 2021 तक जो है आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं, मतलब कि 1 मार्च 2021 इसकी लास्ट डेट रखी गई है, और सॉरी 1 मार्च से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे और 31 मार्च 2021 तक आप आवेदन कर सकते हैं, ये आपकी लास्ट डेट रहेगी। सो इससे पहले पहले आप इन भर्तियों के लिए ऑनलाइन अप्लाई जरूर करें, fci.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप इसका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, एंड लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा लें। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद। दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप जो है डाउनलोड जरूर कीजिएगा, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जहां से आप इस भर्ती से संबंधित पूरी इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। सो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।